तो सेंटर ऑफ मास के अंदर, जैसे ये एग्जांपल है जिसमें एक ट्रे है और उसके ऊपर आइस का क्यूब है, तो इस क्वेश्चन में ये ट्रे है, ट्रे रेस्ट पे है, ये नहीं मूव करेगी, और एक आइस का क्यूब है। आइस का क्यूब का जो साइड है वो एल लेंथ है इसकी, ठीक है, एल लेंथ का क्यूब है, राइट। अब क्या हुआ कि जो ट्रे, इसका सेंटर ऑफ मास ट्रे के सेंटर पे है, क्यूब आइस क्यूब का सेंटर ऑफ मास आइस क्यूब के सेंटर पे है, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ट्रे और आइस क्यूब के सेंटर ऑफ मास का सेंटर है। दो बॉडीज है ना, एक बॉडी क्या है क्यूब है, एक बॉडी क्या है ट्रे है, दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रे है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, और ग्राउंड से सारे डिस्टेंसेस गिवन है, तो ग्राउंड से अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ग्राउंड को ओरिजिन मान लेते हैं, तो ट्रे का सेंटर कितनी हाइट पर है, एक्स वन। तो ट्रे का जो सेंटर है वो कितनी हाइट पर है, एक्स वन, राइट। और ट्रे का मास लेट अस सपोज कैपिटल एम है, जो ट्रे है उसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, और जो आइस है उसका मास स्मॉल एम है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्राउंड है, ट्रे का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से एक्स वन हाइट पर है, और जो आइस का सेंटर ऑफ मास है वो आइस पे है। तो आइस का सेंटर ऑफ मास आइस पे है, जिसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना गिवन है, एक्स टू गिवन है। तो ट्रे का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है, एक्स वन, एंड आइस का सेंटर ऑफ मास का मास स्मॉल एम है, तो कितनी हाइट पर है, एक्स टू। तो अगर मैं ये पूछूं कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आइस का मास इंटू आइस का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, एक्स टू। तो ये देखो आइस का मास है एम और डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास का, एक्स टू। ट्रे का मास क्या है, कैपिटल एम, और डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास का, एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ट्रे और आइस का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास इकट्ठा कैसे निकलेगा? पर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन तो स्टार्ट होगा, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, पहला पार्ट है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, निकल गया। वो कहते हैं जो आइस है ना वो पिघल गई, आइस पिघल गई और वो पानी बन गई, पानी बिल्कुल फ्लैट हो गया ट्रे के ऊपर। ये मत सोचना कटोरी की जितना पानी बिल्कुल भरा पड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि इमेजिन करो कि बिल्कुल फ्लैट हो गया और ट्रे के ऊपर फैल गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा या थोड़ा नीचे गिर जाएगा? नीचे गिरेगा या वहीं पे रहेगा? कब डिसाइड करते हैं कि वहीं पर रहेगा? क्योंकि लास्ट लेक्चर ऐसा था सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता था, चाहे कुछ भी बम फट जाए, और कब डिसाइड करते हैं कि नहीं मूव करेगा, इसमें मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, करेगा। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, बाद में भी रेस्ट पे है, ऐसा कब होता है? व्हेन सिस्टम फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 इज m2 v2। क्या आपको लग रहा है कि आइस m1 से उड़ गई v1 से और ट्रेन नीचे, नहीं ऐसा कहा है। आइस का पिघलना कब कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम फॉलो करता है? मैंने तो नहीं कहा कि बर्फ पिघलती है और इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर, मैंने नहीं कहा। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे, तो रेस्ट पे नहीं रहेगा। अच्छा इमेजिन करो ट्रे भी टूट गई, आइस पिघल गई, ट्रे टूट गई, टुकड़े टुकड़े नीचे गिर गए, सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा आपको? ग्राउंड पे मिलेगा ना, जब सारा सिस्टम ही नीचे कोलैप्स हो जाएगा, सेंटर ऑफ नीचे जाएगा। जब आधा सिस्टम कोलैप्स हो गया तो भी सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा ही। पॉइंट समझ में आ रहा है, जितना नीचे मास गिरता जाएगा सेंटर ऑफ मास भी नीचे आता ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा बर्फ पिघलने के बाद करेगा। तो मान लो आइस पिघल गई, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन निकालो, और फिर जो पुरानी पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की और जो नई पोजीशन आएगी सेंटर ऑफ मास की, दोनों पोजीशन को माइनस करो, आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो एक पुरानी पोजीशन तो है सेंटर ऑफ मास की, नई पोजीशन निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, नई पोजीशन निकालने के लिए ट्रे को तो कोई फर्क ना पड़ा ना, ट्रे तो जहाँ है वहीं की वहीं है, ट्रे को तो, ट्रे कौन सा पिघलने वाली है? तो ट्रे का सेंटर ऑफ मास पहले भी एक्स वन पे है, ट्रे का सेंटर ऑफ मास अब भी एक्स वन पे ही मिलेगा, ट्रे को तो कोई फर्क नहीं। आइस को फर्क पड़ेगा, आइस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब कहाँ पर आ जाएगा? ट्रे के बिल्कुल इस सरफेस पे आ जाएगा, मानते हो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा ट्रे के ऊपर, बताया मैंने। तो ट्रे का सेंटर ऑफ मास जो ऊपर था, जो बर्फ थी, बर्फ पिघल गई, सेंटर ऑफ मास बर्फ का नीचे आ गया, आ गया नीचे। कितना नीचे आ गया? अगर ये लेंथ एल है
तो ये हाइट कितनी होगी, एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था ना क्यूब के, जब वो पिघल जाएगी तो एल बाई टू सेंटर ऑफ मास नीचे गिर जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? जो आइस है उसकी जो हाइट है वो क्वेश्चन में कितनी है, एल है, और ये सेंटर ऑफ मास पहले कितनी हाइट पर था, एल बाई टू। जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी पानी सरफेस पे हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास नीचे गिरेगा, बाय डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू। पुट आउट इसने, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एल बाई टू नीचे गिरेगा यहाँ तक, ठीक, कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, पहले ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर था, एक्स बाई टू, अब सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे कितनी हाइट पर आ जाएगा, एक्स बाई टू माइनस एल बाई टू। एक्स बाई टू तो था ही था पहले, जब वो नहीं पिघली थी आइस तो एक्स बाई टू पे था, उसमें से एल बाई टू माइनस कर देंगे, नई पोजिशन आ गई सेंटर ऑफ मास की, तो ये लो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आइस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ गया, एक्स टू माइनस एल बाई टू, और ट्रे का तो वहीं पर है टोटल मास, तो ये नया पोजीशन आ गया सेंटर ऑफ मास का, ये पुरानी पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, ये नई पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, उसने कहा शिफ्ट कितना हुआ सेंटर ऑफ मास, दोनों को क्या कर लेना है, माइनस, दोनों को माइनस करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? एल बाई टू से माइनस नहीं करके फिर ऑप्शन दो क्या करें, हाँ हो गया, मैंने आपको पहले ही कह दिया था अजम्पशन है कि लेवल नहीं लेना तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो होगा नहीं। मैं देखो मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता था आप अगला क्वेश्चन यही पूछोगे कि सर अगर लेवल होगा तो सेंटर ऑफ मास कुछ तो ऊपर होगा, तो मैंने पहले बोल दिया फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, ये मैं सोचना कटोरी में पानी भरा गया, नहीं है फ्लैट हो गया, बार बार तभी बोल रहा था अगर फ्लैट होगा तब इसकी सरफेस पे सेंटर ऑफ मास आएगा, तभी एल बाई टू नीचे आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन कहाँ स्कूल साल में आते हैं, स्कूल का तो हो लिया पूरा जो आना था, बस इतना ही बहुत है, ये तो शीट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो मैं मार्क करवा दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, क्वेश्चन नहीं है कॉन्सेप्ट। देखो क्या क्वेश्चन है, कंसिडर टू पार्टिकल्स एम वन एंड एम टू, दो पार्टिकल्स हैं, एक एम वन है और एक एम टू है। इफ फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टूवर्ड्स सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डी, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की तरफ पुश कर दिया डी, तो बताओ सेकेंड पार्टिकल को कितना मूव करें ताकि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना आए। इन शॉर्ट इसका और मेरा मास बराबर है, हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, हमारे सेंटर पे। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ आ जाऊं बाय 10 सेंटीमीटर, और मैं ये चाहता हूं कि ये भी मूव करे सेंटर ऑफ मास की तरफ, कितने सेंटीमीटर आगे मूव करे ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, यार जो मेरे साथ है वही इसके साथ है, अगर ये 10 है तो मैं भी 10 हूं, तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट सेम पॉइंट। सिमेट्री है, मास बराबर है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, मैं 10 पास आता हूं, ये भी 10 पास आता है, बात खत्म, कोई डाउट इसमें? लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब मेरा मास ज़्यादा है इसका मास कम है, तो हमारा सेंटर मास हमारे सेंटर पे नहीं है, पहला पॉइंट है। और अगर मैं डी वन डिस्टेंस पास आता हूं तो ये डी वन पास नहीं आएगा, डी टू पास आएगा, तो बताओ ये डी टू क्या होगा। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई, क्या क्वेश्चन है कि अगर दो पार्टिकल एम वन एम टू हैं और एम वन एम टू में से एक पार्टिकल को हम पास ले आए बाय डिस्टेंस ऑफ डी, तो दूसरा पार्टिकल कितना पास आए ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज ना करे, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक, तो एक काम करते हैं, पहले समझते हैं इसका एक्चुअल मेथड, सही मेथड, लंबा तरीका है, फिर मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बताऊंगा, आपको पेन को हाथ नहीं लगाना और एक सेकंड में आंसर आएगा, बस इतना ही शॉर्टकट है, बहुत छोटा, इससे छोटा शॉर्टकट नहीं होगा। ठीक है, पहले लंबा तरीका देख लें, एक्चुअल तरीका जिसको बोलते हैं, एक्चुअल तरीका ये है कि मान लो पहले पार्टिकल्स एम वन एम टू थे और ये इनका सेंटर ऑफ मास था, और एम वन का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो एक्स वन था, एम टू का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से एक्स टू था, क्योंकि दोनों मासेस बराबर नहीं है, एक्स वन एक्स टू भी बराबर नहीं होंगे, पहला पॉइंट क्लियर है। तो इसका अगर ये ओरिजिन मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास 0,0 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस एक्स वन कॉमा जीरो ओरिजिन है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स टू कॉमा जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक हो गया यहाँ तक? तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम वन प्लस एम टू, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना, जीरो,
तो एम वन इंटू कितना माइनस एक्स वन, एम टू कितना एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो ये जीरो है। सॉल्व करके क्या आएगा, एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक हो गया यहाँ तक? ये आधा क्वेश्चन है क्योंकि अभी ये एक्स वन एक्स टू डिस्टेंस अपार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, ए को डी डिस्टेंस पास लेके आऊँगा और ए को डी डैश। असली क्वेश्चन तो यही है ना, ए को पास लेके आना, दूसरे को कितना पास लेके आऊँ ताकि सेंटर ऑफ मास लोकेशन चेंज ना करे। ये पहला स्टेप क्लियर है। अगर मैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूं ताकि आपको ये भी ना करना पड़े। शॉर्टकट क्या, आज के बाद अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक मास मान लो 10 kg है, दूसरा मास 5 kg है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सच दैट ये जो वैल्यू है इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो मान लो 2 meter है, तो बोलो इसका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर ऑफ मास से। तो शॉर्टकट क्या कह रहा है, एम वन एक्स वन इज एम टू एक्स टू, यानी कि क्या करेंगे 10 इंटू टू इज इक्वल टू 5 इंटू सपोज ये डिस्टेंस कितना है x आ जाएगा, सही है ना? तो आपको इतना लंबा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के बाद अगर ये शॉर्टकट आए कि एक मास एम वन है एक एम टू है, अनइक्वल मासेज हैं और सेंटर ऑफ मास ये ना, तो इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से अगर एक्स वन है और इसका डिस्टेंस एक्स टू है, तो सीधा शॉर्टकट लगाना है एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू, तो ये पूरे स्टेप्स आपके बच जाएंगे। तो पहला शॉर्टकट क्लियर है। तो आज क्योंकि ऐसे बहुत होगा कि आपको मासेज बराबर तो हमेशा गिवन होंगे नहीं और सेंटर ऑफ मास की पोजिशन गिवन होगी, तो आपको एक डिस्टेंस गिवन है तो आप दूसरा डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो ये शॉर्टकट क्लियर है। अब असली क्वेश्चन क्या है, ये तो आ गया, बात खत्म हो गई। वो कह रहा है अब मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अभी 0.0 है, मैं रखना भी यही चाहता हूँ, मैं चेंज भी करना नहीं चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि m1 पास आ जाए। m1 पहले कितनी दूरी पे था x1, अब वो कितना पास आ गया बाय डिस्टेंस ऑफ d, तो d पास चला गया तो नया डिस्टेंस कितना हो गया x1 माइनस d। पहले m1 कितनी दूरी पर था x1, वो d पास आ गया तो नया डिस्टेंस कितना हो गया x1 माइनस d। सिमिलरली m2 कितनी दूरी पे था x2, वो कितना पास आ गया d डैश, तो नया डिस्टेंस क्या हो गया x2 माइनस d डैश। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है? वैसे तो लंबा तरीका है पर एक अपना शॉर्टकट ही लगाएंगे, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कि अब नई सिचुएशन क्या हो गई, ये m1 है और ये m2 है, सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर 0.0 पे है। अब m1 का जो नया डिस्टेंस है वो कितना हो गया x1 माइनस d और m2 का नया डिस्टेंस कितना हो गया कितना x2 माइनस d डैश। क्या ये सिचुएशन क्लियर है? अब नई सिचुएशन हो गई, ये सेंटर ऑफ मास है, ये करने की जरूरत ही नहीं। मैंने शॉर्टकट क्या कराया कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता है और दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी पता है, शॉर्टकट क्या लगेगा बोलो, m1 into कितना x1 minus d is equal to m2 into कितना x2 minus d dash। क्या ये स्टेप शॉर्टकट क्लियर है? जैसे पहले लगाया था m1 x1 is m2 x2, अब डिस्टेंस चेंज हो गया x1 minus d हो गया x2 minus d dash हो गया, अब हम सीधा क्या लगा सकते हैं m1 into x1 minus d इज एम टू इंटू एक्स टू माइनस डी डैश। तो ये स्टेप्स आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप में आंसर लिखें खत्म, सही है? तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स पहले एम वन एम टू हैं, एक्स वन एक्स टू डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो पहला फॉर्मूला एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू, जब डी और डी डैश अपार्ट आ गए तो सीधा शॉर्टकट लगाओ एम वन इंटू एक्स वन माइनस डी एम टू इंटू एक्स टू माइनस डी डैश। क्लियर है? दोनों सिचुएशंस क्लियर हैं? दोनों इक्वेशंस को लिख लिया मैंने, दोनों को मैंने माइनस कर लिया, लेफ्ट में से लेफ्ट राइट में से राइट सिंप्लीफाई किया, टर्म्स कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आज के बाद ये सिंप्लीफाई माइनस भी नहीं करेंगे, एक नया शॉर्टकट सुनो, सिर्फ यही शॉर्टकट काम की चीज़ है। कैसे, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है और ये एम वन है और ये एम टू है, क्वेश्चन है कि अगर एम वन d डिस्टेंस अपार्ट आ जाए और m2 d डैश डिस्टेंस पास आ जाए, तो ये भी शॉर्टकट है m1 into d डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू m2 into d डैश डिस्टेंस। डाउट इसमें, तो ये कुछ करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मतलब एक ही लाइन का एक शॉर्टकट आ गया पूरे क्वेश्चन का। क्या शॉर्टकट आया कि अगर ये और मैं सपोज दो मासेज हैं
10 kg एंड अगेन 5 kg और ये सेंटर ऑफ मास है। अगर ये 1 meter पास आ जाए तो बोलो मैं कितने डिस्टेंस पास आऊँ ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो आंसर क्या होगा, 10 × 1 मस्ट बी इक्वल टू 5 × d-, सही है। तो शॉर्टकट लगाना आ रहा है कि कैसे लगेगा, तो आज के बाद इतना लंबा तरीका हम नहीं करेंगे। तो m1 × distance m2 × distance के इक्वल करेंगे आंसर आएगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि देखो कैसे किस तरीके से मैंने आंसर निकाला, अदरवाइज हम शॉर्टकट ही लगाएंगे आज के बाद। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो ये एक शॉर्टकट है। इसके बाद ये क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है 1 kg का, m1 गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी 2 meters per second। तो ये v1 वेक्टर गिवन है और क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पीछे वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, 2 i cap। m2 गिवन है, वेलोसिटी 2 meters per second। इसके कंपोनेंट्स लेंगे 30 डिग्री के साथ, 2 cos 30, 2 sin 30। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, 2 cos 30 i cap, 2 sin 30 j cap, 2 cos 30 i cap, 2 sin -j cap, 2 sin 30 - j cap। कोई डाउट इसमें? ये क्या आ गया, v2 वेक्टर आ गया, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर। m2 की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 kg। तो अब इस केस में क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर सेंटर ऑफ मास का आसान है, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m1 + m2। तो m1 पता है, m2 पता है, v1 वेक्टर हमने निकाल लिया, v2 वेक्टर हमने निकाल लिया, प्लस m1 + m2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लेगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, वेलोसिटी वेक्टर्स निकालने हैं, वेक्टर फॉर्म में निकाल, आई कैप जे कैप में, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, अपॉन m1 + m2 आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर मास है, ट्रायंगल है, 10 mm मास है, इसके ऊपर एक बॉक्स है m, ये भी मास है, फ्रिक्शन है नहीं, ना सरफेस पर ना फ्रिक्शन है। मुझे एक बात बताओ कि जो अगर m नीचे आएगा, 10 mm यहीं पे पड़ा रहेगा कि पीछे खिसक जाएगा, जाएगा या यहीं रहेगा, जाएगा आपको लगता है? क्यों? फ्रिक्शन नहीं है इसलिए। अच्छा, इमेजिन करो छोटे बच्चे खेलते हैं, स्लाइड्स और रेडिकलर की होती है, जाओ ना उनके प्लेवे में जाओ, कहीं जाओ, डॉक्टरों के भी अगर जाओ, तुम्हारा खेलने के लिए बीमार रखा होता है, बच्चे खेल लेंगे तो रेडिकलर की या कोई भी कलर, तो अब वो बच्चे बराबर स्लाइड करते हैं और वो स्लाइड पीछे जाती है, जितना भारी बच्चा होगा फटाफट नीचे जाएगा, उतना ही स्लाइड और पीछे आएगी, आती है। अगली बार दिखे ना आप फंसने की कोशिश करना, आपके तो बैठते ही वो पीछे खिसक जाएगी, आप फील करना कि हाँ पीछे जाती है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जैसे ही वो नीचे आएगी तो बेसिकली क्या होगा, 10 mm पीछे जाएगा। ठीक हो गया, जितनी तेज़ी से m नीचे आएगा उतनी तेज़ी से 10 mm भी पीछे जाएगा। आपको ऐसा फील तो नहीं आ रहा, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आ रहा है कुछ, m1 v1 = m2 v2। सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, अगर m नीचे भी उतर जाएगा। अब फील आ रहा है ना यहाँ होगा मास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा क्योंकि m1 v1 m2 v2। सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में मूव नहीं करेगा, y एक्सिस में मूव करेगा कि सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास है यार, मूव नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ये क्या होता है, x में मूव करेगा वाई में मूव करेगा, ऐसा क्या मतलब? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा जब m नीचे उतरेगा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, हमने डिसाइड किया, बिकॉज इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बात हुई। और हमने लास्ट टाइम किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट अगर सेंटर ऑफ मास मास m नीचे आने से पहले रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही मैंने बोला था ऐसा, और मैं बोल रहा हूँ इसमें लगेगा।
तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्स एक्सिस में लगेगा कि वाई में भी लगेगा, दोनों में लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास है या रेस्ट पे तो रेस्ट, पॉइंट है पॉइंट वाई में क्या और एक्स में क्या, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, ऐसा फील कर रहे हो। ओके अच्छा फिर अगला आंसर दो, ये एम ऊपर है ये अब नीचे नीचे आ गया, तो आपको फील नहीं होता सेंटर ऑफ मास नीचे खिसक जाएगा, जितना मास नीचे शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास तो नीचे शिफ्ट होगा, ये भी तो रूल है, ये रूल है कि नहीं कि एम अगर नीचे उतरेगा तो सेंटर ऑफ मास वहां कैसे रह सकता है, सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा ही आएगा, सही है ना, तो फिर वो रूल कहाँ गया, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, और मैं ये भी कह रहा हूँ ये भी सही कॉन्सेप्ट है, जब मास नीचे उतरेगा सेंटर ऑफ मास को नीचे उतरना पड़ेगा सिस्टम के, और ये भी सही है, द सिस्टम विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, दो चीजें इकट्ठी कैसे चलेंगी, दोनों पॉइंट सही है ना, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम किस में लगता है, एक्स में लग रहा है, क्योंकि ये पूरा वेज 10m का ऊपर नीचे थोड़ा जा रहा है, वो कैसे खिसकेगा एक्स में, तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि वेज ने कहां जाना है एक्स में, तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, हाँ वाई में नीचे उतरेगा, वाई में नीचे उतरेगा पर एक्स में नीचे नहीं उतरेगा, कहने का मतलब वो नीचे आएगा वर्टिकली ऐसे नीचे गिरता जाएगा पर ऐसे नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे उतरेगा पर एक्स में इसकी कोई मोशन नहीं होगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम वाई एक्स में लग ही नहीं रहा, ऐसा कहां हो रहा है कि 10m ऊपर जा रहा है 10m नीचे आ रहा है, बात ही नहीं की, कैसे जाएगा एक्स एक्सिस में ही जाएगा, तो इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट इकट्ठे लगेंगे, मास एम नीचे उतरेगा तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ नीचे उतरेगा पर एक्स एक्सिस में इसकी कोई मोशन नहीं होगी, और हम अपना कॉन्सेप्ट किस में लगाएंगे एक्स में, वाई में निकाल लगाएंगे ही नहीं, इमेजिन कर पा रहे हो, है ये दो बक्से से ठीक, तो कैसे सेंटर ऑफ मास, अगर ये मास चलो नीचे उतरता है, मुझे एक आंसर दो, अगर ये मास नीचे उतरता है तो एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस कितना कवर कर लेता है 2.2, वो भी तब जब ये ट्राइंगल मूव ना करे, तब अगर ये ट्राइंगल रेस्ट पे रहे तो यहाँ उतरेगा ये, तो अगर मैं इसे ओरिजिन मानता हूँ, जैसे अगर मैं सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ, कोई फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ, तो अगर ये वेज नहीं मूव करता ट्राइंगल तो एम नीचे उतरेगा, तो इस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से दूरी क्या कवर करेगा एक्स में 2.2, राइट, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तो जैसे ही ये नीचे उतरेगा यहाँ उतर नहीं पाएगा, जैसे ही नीचे उतरेगा ये पूरा ट्राइंगल थोड़ा राइट शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा, तो मास एम यहाँ पे उतरेगा ही नहीं, मास एम थोड़ा सा राइट पे उतरेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो मास जो एम है वो कहां उतरेगा, वो राइट उतरेगा, ठीक है यहां तक राइट, ये समझ में आ रहा है, पर मैंने आपको साथ में ये भी कहा एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की कोई मोमेंट होगी नहीं, तो अगर मेरा ये सेंटर ऑफ मास का फिक्स पॉइंट था पहले भी और अब भी, इसने मूव नहीं करना एक्स में, ये एक्स में मूव ही नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में इसकी मूवमेंट होगी नहीं, दे आर फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसने मूव नहीं करना, तो एक बात बताओ कि अगर ये यहां उतरता तो इस पॉइंट से दूरी क्या होती 2.2, पर ये यहां उतरा, क्यों उतरा, क्योंकि वेज राइट शिफ्ट हो गया, कितना, बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, इस मास को भी आगे शिफ्ट होना पड़ेगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो इस रेफरेंस पॉइंट से टोटल वैसे डिस्टेंस कितना था 2.2, पर वेज राइट शिफ्ट होने की वजह से यहां का डिस्टेंस क्या बच गया 2.2 माइनस एक्स, राइट, क्लियर है मेरा कहने का मतलब, कि जैसे इसमें दिखा देता हूं, अगर ट्राइंगल मूव नहीं करता मैंने कहा, तो इस मास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था इस रेफरेंस पॉइंट से 2.2, पर वेज नीचे मूव कर गया तो मास यहां कहीं उतरेगा, क्योंकि वेज राइट ले जाएगा इसे, तो नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2.2 माइनस, ये कह रहा हूं, ये समझ में आ रहा है डायग्राम, तो मुझे ये पता लग गया कि इस फिक्स पॉइंट से जो मूव नहीं करेगा एक्स एक्सिस में, वाई में तो मूव कर रहा होगा, एक्स में मूव नहीं करेगा, तो मास एम का डिस्टेंस 2.2 माइनस एक्स, और वेज 10m का डिस्टेंस कितना एक्स, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो एम का, एम की दूरी कितनी है 2.2 माइनस एक्स, और 10m की दूरी कितनी है एक्स, वो अभी शॉर्टकट नहीं कराया कि अगर एक मास का डिस्टेंस एक्स वन है, एक का एक्स टू, तो एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू, सेम रूल लगा दो, एक मास की दूरी इतनी है,
दूसरे मास की दूरी इतनी है, सॉल्व करके एक स्टेप में एक्स आएगा आंसर, वेज एक्स 0.2 मीटर दूर चला गया।